प्रदेश के हर छोटे बड़े मुद्दों को देंगे प्राथमिकता। गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषितों की उठाएंगे आवाज। गांव हो या शहर, हर खबर पर होगी हमारी नजर। आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24, हमेशा आपके हित में। उदयपुर जिले के मेड़ी स्थित मेवाड़ राजवंश कुल देवी वाण माता मंदिर में अष्टमी पर हवन पूर्णाहुति का कार्यक्रम संपन्न हुआ। वक्त बदलता है, पीढ़ियां बीत जाती हैं, परंतु नहीं बदलती आपकी परंपरा। आपको विरासत में मिली धरोहर है। हर वर्ष की भांति इस परंपरा को निभाते हुए कुलदेवी वाण माता मंदिर मेड़ी में अष्टमी पूर्णाहुति करने हेतु का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चित्तौड़ी धनियाणी है रहे राणा, मन रंग जोगण जगदम्ब मेवाड़ी माँ, बायण ने रंग नाम ले नामी भया बाजिया दीवान एक लंग, उन राणा री ईस्ट जो वा बायण ने रंग सेविया सदा सिसोदिया, मही बधायु माण धनुष वाण धारण करिया बण तू माता बायण। रसोदिया वंश की कुलदेवी का नाम बायण माता है, जिन्हें बाण माता या ब्राह्मणी माता भी कहते हैं। ऐतिहासिक सूत्रों के मुताबिक सिसोदिया गोहिलोता वंश की कुलदेवी का नाम बायण माता इसलिए है क्योंकि जब हमारे पूर्वज सौराष्ट्र गुजरात से यहाँ चित्तौड़गढ़ आए, तब वहाँ गुजरात में नर्मदा नदी से जो पाषाण निकलते थे उनसे शिवजी जो स्थापना होती थी उनसे शिवजी की जो स्थापना होती थी उन्हें वाण लिंग कहा जाता था, जिनके नाम से मेवाड़ में वाणेश्वर जी का मंदिर भी है। उन्हीं वाणेश्वर महादेव की देवी पार्वती जी का एक अंश मां बायण के रूप में प्रकट हुआ। मानते हैं जिन्होंने प्राचीन काल में बाणसुर दैत्य का वध किया था और इसीलिए मां दुर्गा का वह स्वरूप बायण माता के नाम से विख्यात है। जिनके उपासक सिसोदिया वंश के सभी कुल हैं, जिनमें शक्तावत कुल की भी है। मेवाड़ में मां बायण की प्राचीन मूर्ति एक पुरोहित परिवार के पास रहती है जो कि नागदा जाति के ब्राह्मण है। यह व्यवस्था इसलिए स्थापित की गई थी क्योंकि मेवाड़ के कई महाराणाओं को शत्रुओं से युद्ध के लिए महलों से बाहर रहना पड़ता था और किलों पर दुश्मन का कब्जा होने पर बायण माता की मूर्ति को खतरा होने की वजह से ही नागदा के ब्राह्मणों को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। ऐतिहासिक स्रोत ये भी साबित करते हैं कि बायण माता की नवमी के दिन बकरे की बलि नहीं दी जाती क्योंकि यह सात्विक देवी है। जो बलिदान दिया जाता है वह माँ दुर्गा के ही तामसिक स्वरूप कालिका माता को चढ़ाया जाता है। साथ ही यह भी बलिदान कहीं कहीं भैरू जी के नाम से भी चढ़ाया जाता है, किंतु माता बायण सात्विक ही रहती हैं। ये बताना मुश्किल है कि यह अपभ्रंश कब और कहां से शुरू हुआ। सिसोदिया शक्तावत कुल देवी की सात्विकता का एक सबसे बड़ा प्रमाण है।